Hello students, my name is Shweta Tiwari and today I am going to teach you a moral science and we are going to cover the story Good Manners. आज जो है मैं आपको गुड मैनर्स के बारे में एक स्टोरी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ये स्टोरी जो है वो एक बच्चे पे बेस्ड है. दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द बॉय हु डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मैनर्स एंड एटिकेट्स एंड हिज मदर इज रियली वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड शी वॉन्ट्स दैट हिज चाइल्ड हिज सन वुड ऑल्सो लर्न द सम गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स. सो लेट्स सी इन दिस स्टोरी दैट वॉट she tried to make his son correct to learn his son good manners. Okay, so here Neil was poor in mathematics and had no good manners. Neil naam ka ek bachcha tha jiske andar kisi bhi tarike ke koi acche sanskar nahi the and wo maths mein bhi bahut hi poor tha. He always showed a bad behavior. His mother decided to send him a tutor so that he could learn good manners as well as mathematics too. See, उसकी मदर ने जो है डिसाइड किया, एज यूजुअल हम सबके साथ जो होता है व्हेन वी आर नॉट इन गुड इन स्टडीज और व्हेन वी आर वीक इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, व्हाट आर पेरेंट्स डिसाइडेड टू प्रोवाइड अस अ ट्यूटर, राइट? वो क्या कोशिश करते हैं, वो हमें ट्यूटर्स प्रोवाइड कराते हैं सो दैट वी कैन लर्न समथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द स्कूल, राइट? ताकि हम स्कूल के अलावा भी कुछ उस सब्जेक्ट से या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पढ़ के कुछ सीख सकें. So the niece mother decided the same thing. उन्होंने सोचा कि इसकी जो है मैथ्स की ट्यूशन लगवा देते हैं एंड मैथ्स के साथ साथ जो है हम इसको गुड मैनर्स के बारे में भी सिखाने की कोशिश करेंगे. He rang the door while she brought him to Mrs. Khanna. उन्होंने उसके ट्यूटर के लिए मिसेस खन्ना से बात की थी. He rang the door while no one opened the door. Should I ring the bell again? और वो जो है मिसेस खन्ना के पास गई अपने बेटे नील को लेकर. जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची, वी हैव व्हेन वी आर गोइंग समवन्स हाउस, व्हाट द फर्स्ट टाइम वी टेक वी रिंग द बेल डोर, राइट? तो उन्होंने भी, वो अपने बेटे के साथ वहाँ पर गई, उन्होंने दरवाजे की डोर बेल को रिंग करा बट किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला. देन ही आस्क्ड बिकॉज ही इज़ अ वेरी नॉटीएस्ट बॉय, सो उसके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट था एंड ही सेड कि मैं दोबारा से रिंग बेल रिंग करूँ क्या. ही आस्क्ड हिज मदर नो वेट फॉर सम टाइम, बट एक्चुअल में जो हमारे मैनर्स होते हैं, जो हमारे एटिकेट्स होते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, दैट इफ यू नॉक द डोर और इफ यू रिंग द बेल डोर बेल, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, वी हैव टू गिव सम टाइम टू दैट पर्सन हु इज गोइंग टू ओपन द डोर. हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए उस इंसान को जिसको डोर ओपन करना है ताकि वो अपना डोर ओपन कर सके. सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक मैनर कि वेन यू आर गोइंग समवेयर, जब भी आप कहीं जा रहे हैं, बिफोर यू कुड एंटर ऑन दैट रूम और ऑन दैट हाउस और ऑन दैट कैबिन, जब भी आप किसी घर पे या किसी कैबिन में या किसी रूम में एंटर करें, वी हैव टू नॉक द डोर फर्स्ट और रिंग द बेल डोर बेल. ओके, हमें सबसे पहले दरवाजे को नॉक करना चाहिए या फिर हमें जो है डोर बेल को रिंग करना चाहिए. ओके, सो द सेम थिंग Neil's mother applied. Neil's mother asked him to say hello to Mrs. Khanna. When we are entering on someone's house, the second basic manner is we have to greet the persons or the people. हमें लोगों को greet करना आना चाहिए. जब भी आपके घर कभी कोई आता है या आप किसी के घर जाते हैं, so greet that person whosoever is in front of you. जब भी आपके सामने कोई भी पर्सन है, आप उसे ग्रीट करिए, हेलो, हाय, नमस्ते या प्रणाम या जिस भी तरीके से आप ग्रीट करते हैं, हमें वो ग्रीटिंग्स, वो हमें ग्रीट उस तरीके से करना चाहिए. बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहेवियर और द गुड मैनर विच शोज विच प्रेजेंट्स योर सेल्फ. ओके, दे ग्रीटेड ईच अदर एंड वेंट इनसाइड द हाउस. उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट करा, हेलो हाई करा और फिर वो घर के अंदर गए. Neil's mother had a telephone conversation with Mrs. Khanna about Neil's tuition. क्योंकि उसकी नील की मदर ने उनके पास जाने से पहले, मिसेस खन्ना के पास जाने से पहले उससे उनसे टेलीफोन में कॉन्वर्जेशन किया था कि उन्हें नील को जो है मैथमेटिक्स का ट्यूशन लगवाना है एज वेल एज उनको उसे कुछ अच्छे मैनर्स और एटिकेट्स के बारे में भी सिखाना है. मिसेस खन्ना, दिस इज़ माई सन नील, आई स्पोक टू यू अबाउट हिम ओनली. उन्होंने अपने बेटे को मिसेस खन्ना से इंट्रोड्यूस कराया कि मिसेस खन्ना, ये मेरा बेटा है, मैंने आपसे इसके ही बारे में बात की थी. आफ्टर ऑफरिंग सम स्नैक्स टू देम, मिसेस खन्ना आस्क्ड, व्हिच सब्जेक्ट डू यू फाइंड डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स,
when we are going for the to join the tuition. जबी भी हम अपने parents के साथ या हम कोई भी tuition join करने जाते हैं, तो हमारा tutor हमसे एक question जरूर करता है कि हमें कौन से subject में ज़्यादा difficulties आती हैं, right? So the same question Mrs. Khanna asked to the Neel. उन्होंने same question Mrs. Khanna ने Neel से पूछा, तो Neel ने answer करा, I find the maths is very difficult subject. और reply Neel by keeping a big piece of cake in his mouth. But उसने ये जवाब जो है एक बड़े से केक का पीस अपने मुंह में रखते हुए कहा. And in that situation, Neel's mother looked at him. The cake quickly slipped down his throat. जबी भी आपसे कोई question कर रहा है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपसे कुछ कहा जा रहा है, so just listen it very carefully. बोलते वक्त या कुछ कहते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आप कुछ भी आपके मुंह में कुछ भी ना हो. या तो अगर आप कुछ खा रहे हैं, so firstly complete that thing properly in a proper way and then give a response. या फिर आप पहले response दें और उसके बाद उस चीज़ को खाएं. कभी भी खाते वक्त हमें किसी को जवाब या बोलना नहीं चाहिए. This is the also the important good manner, basic manners which we have to grab. Okay. Further conversation was disturbed by sudden phone calls to Neel's mother from his father. अचानक से उसकी मदर के पास जो है उसके फादर नील के फादर को कॉल आ गया. While she was talking, जब वो बात कर रही थी, नील snatched a phone from her hands. Father, have you brought the cake gift for me? He asked his father who was on tour. अच्छा, I have also seen so many students. ये बहुत सारे बच्चों के अंदर एक आदत होती है कि जब भी उनके घर में उनके पेरेंट्स, उनकी मम्मी या पापा किसी से कॉल कर रहे हैं, किसी से कॉल पर बात कर रहे होते हैं, so they snatch the phone to talk the person. This is a very bad manners and this is a very bad etiquette. We should not have to follow this. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आपके घर पे आपके मम्मा या आपके पापा किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं टू होम यू ऑल्सो नो वेरी वेल, जिसको आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड यू आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू टॉक विद दैट पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व, आप भी अगर उस पर्सन से बात करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं, सो लेट देम फिनिश फर्स्ट. पहले उनको अपनी बात ख़त्म करने दीजिए एंड देन टेक द फोन इन अ प्रॉपर मैनर. तब आप उनसे फ़ोन प्रॉपरली तरीके से लीजिए एंड देन टू टॉक टू फोन, तब आप उनसे जो है फ़ोन पर बात करिए. खींच के छीन के फोन पे बात करना इज नॉट अ गुड मैनर. मिसेस खन्ना डिड नॉट लाइक हिज बिहेवियर दैट शी वॉज ऑब्जर्विंग. उन्होंने जब नील का ये बिहेवियर चेक किया तो उनको ये बिहेवियर बिल्कुल भी उसका पसंद नहीं आया. नील गेव द फोन बैक टू हिज मदर आफ्टर टॉकिंग. और नील ने अपनी बात ख़त्म करके वो फोन अपनी मदर को वापस दे दिया. ही टोल्ड मिसेस खन्ना द टीचर्स डोंट टीच हिम वेल. अब नील ने जो है मिसेस खन्ना से ये बात बोली कि उसको टीचर अच्छे से पढ़ाती नहीं है. तो मिसेस खन्ना ने उसका ऑब्जेक्शन किया, सन यू शुड नॉट कंप्लेन अबाउट योर टीचर लाइक दिस, सेड मिसेस खन्ना. डू यू आस्क योर डाउट्स फ्रॉम टीचर्स व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को डटने के लिए किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं, विच इज़ नॉट क्वाइट सो गुड. आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आना चाहिए. अगर आपकी गलती है तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड लर्न अबाउट दिस कि हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आना चाहिए. अगर हमसे गलती हुई है तो दूसरे किसी पर उंगली उठाने से पहले. यहाँ पर नील के मैथ्स में नील कमज़ोर था, बट नील ने क्या करा, मिसेस खन्ना के सामने अपनी मैथ्स की टीचर को जो है ब्लेम करा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाती है. बट उस चीज़ को क्रॉस करते हुए मिसेस खन्ना ने उससे पूछा कि जब भी तुम्हें कोई डाउट होता है क्या तुम उनसे पूछते हो, क्या तुम उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हो. स्टूडेंट्स, यू हैव नोटिस सो मेनी टाइम्स दैट व्हेन द टीचर टॉट यू और व्हेन द टीचर्स कंप्लीट एनी काइंड ऑफ लेसन ऑन द चैप्टर्स, दिल आस्क यू फॉर द डाउट्स, राइट? वो आपसे डाउट्स के लिए इसीलिए पूछते हैं, वो आपको मौका देते हैं कि उन्होंने जो आपको समझाया है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं ताकि वो डाउट, वो चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. जब मिसेस खन्ना ने नील से ये चीज़ पूछी तो नील ने बोला, नहीं, मैं उनसे कोई डाउट नहीं पूछता हूँ. नील्स मदर वॉज क्वाइटली हियरिंग द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस खन्ना एंड हर सन. यहाँ पर उसकी मदर जो है वो चुप होकर मिसेस खन्ना और उनके बेटे के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा था उसको ध्यान से सुन रही थी. She felt happy and thought that Mrs. Khanna was the right person to teach me.
और वो ये देख के बहुत खुश हो रही थी कि जो है मिसेस खन्ना बहुत ही सही पर्सन है उनके बेटे को सिखाने के लिए अच्छी चीज़ें अच्छी बातें। आफ्टर फ्यू वीक्स नील्स मदर ऑब्जर्व फ्यू चेंजेस इन नील्स बिहेवियर एज वेल एज हिज ग्रेड स्टार्टेड टू इम्प्रूव। नील की मदर ने जो है कुछ हफ्ते के बाद नील की मदर ने जो है चेक करा कि नील के बिहेवियर में कुछ चेंजेस थे, वो चेंजेस जो है वो उसके बिहेवियर से रिलेटेड थे। ओके, क्या बिहेवियर से रिलेटेड थे? दैट और उसके मैथ्स के मार्क्स भी जो है वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। हिज फादर रिटर्न फ्रॉम द टूर एंड डिसाइडेड टू गो आउट फॉर द डिनर। उसके फादर ने डिसाइड किया, जब वो टूर से वापस आए तो उसके फादर ने डिसाइड किया कि हम एक डिनर के लिए जाएंगे। एंड नाउ द नील, जस्ट बिकॉज नील इज लर्निंग द गुड मैनर्स इन विद अलॉन्ग विद द मैथमेटिक्स, क्योंकि वो मिसेस खन्ना से गुड मैनर्स भी सीख रहा था मैथ्स के साथ साथ, सो ही स्टार्टेड बिहेव वेरी प्रॉपरली। वो बहुत अच्छे से बिहेव करने लग गया था। वेन दे गो आउटसाइड फॉर द डिनर, जब वो अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पे गया, ही ओपन द कार डोर फॉर हिज मदर। उसने अपनी मम्मी के लिए कार का डोर ओपन किया। ही ग्रैब द चेयर इन द रेस्टोरेंट फॉर हिज मदर। उसने अपनी मम्मा के लिए चेयर पुल करी ताकि वो उस पर बैठ सके। सो देयर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी एक्साइटेड, दे आर वेरी प्राउड दैट दे सॉ दैट देयर चाइल्ड इज लर्निंग अ गुड मैनर। उनको बहुत खुशी हुई ये देख कर कि उनका बेटा जो है वो बहुत अच्छे अच्छे गुड मैनर्स और एटिकेट्स को सीख रहा है। सो दिस इज द स्टोरी विच इज़ रिलेटेड टू द गुड मैनर्स। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज कीप लर्निंग द गुड मैनर्स एंड द एटिकेट्स, बिकॉज हमारे अच्छे संस्कार, हमारी अच्छी सोच ही हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है किसी के भी सामने। सो प्लीज ट्राई टू बिहेव अ गुड मैनर्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप स्टडी एंड